हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहां आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है, Which of the following port in India is the deepest port and is known for its iron ore exports to Japan? आपके options है A. Chennai port, B. Tuticorin port, C. Kandla port या D. Vishakhapatnam port। तो friends देखिए, हुआ यह है कि India जैसी country जिसके पास इतनी rich और long coastline है, जो कि 7,516 kilometers की है, पर आज तक India के पास कोई भी ऐसा port नहीं था जहाँ mother ships dock कर सके। और हमें इसमें कौन बीट कर रहा था, आप गेस करके देखिए। श्रीलंका जैसी छोटी सी कंट्री के पास तक अपना डीप सी ट्रांसशिपमेंट हब जो कि कोलंबो में सिचुएटेड है, वो वहाँ पे पॉसिबल था, पर हमारे पास नहीं था। और हमारी कंट्री में जो 13 बड़े पोर्ट्स होने के बावजूद कोई ऐसा पोर्ट नहीं था जहाँ मदर शिप्स, मतलब बहुत बड़े शिप्स जिनकी कैपेसिटी ये एक टाइम पर 10,000 TEU या 20 फुट इक्विपमेंट यूनिट्स को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, ऐसी शिप्स को डॉक करवाने की कोई सिस्टम हमारे पास में नहीं थी, जिसकी वजह से इंडिया में आने वाले कई सारे इंपोर्ट या इवन एक्सपोर्ट के आइटम्स पहले हांगकांग, सिंगापुर या इवन श्रीलंका जैसे जो पोर्ट्स हैं वहां पर जाते थे छोटे शिप्स में, और वहां से बड़े शिप्स में लोड होकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते थे, जिसके कारण इंडिया को एक बहुत हैवी इकोनॉमिक कॉस्ट को बेयर करना पड़ता था, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है। और सेकेंडली, जब तक आपका पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट नहीं होगा, तब तक आप कितना भी मैन्युफैक्चरिंग में रिफॉर्म्स ला लो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। एक्सपोर्ट्स में आप हमेशा चाइना जैसी कंट्रीज जिनके पास शंघाई और हांगकांग जैसे डीप सी ट्रांसशिपमेंट हब वाले पोर्ट्स हैं, उनसे हर बार बीट होते रहोगे, क्योंकि वो जितनी क्वांटिटी में और जितने कम टर्न अराउंड टाइम के साथ एक्सपोर्ट्स को हैंडल कर पाएंगे, उतना आप कर ही नहीं सकते। पर देखिए, ये प्रॉब्लम अब सॉल्व होने का जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है। इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब ये केरला के तिरुवनंतपुरम से 14 किलोमीटर दूर विजिंजम नाम से अब ऑपरेशनल होना स्टार्ट हुआ है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इसे इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का टाइटल दिया है और ऑपरेट करने के लिए ग्रीन लाइट भी इनको दे दिया गया है। एक्चुअली विजिंजम, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, विंगियम इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। ये जो विंगियम पोर्ट है, ये अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस प्राइवेट कंपनी को अलॉटकेट किया गया है, मेनली डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर इस मॉडल पर, और वो भी 40 ईयर्स के लिए, जिसके बाद वो इसे गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि यहाँ केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों भी इस प्रोजेक्ट में पार्टनर्स है। ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो यहाँ पर सी की जो डेप्थ है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, ये इसका एक क्राइटेरिया था। और फॉर द मदर शिप्स टू डॉक, यहाँ पर 24 मीटर्स तक की डेप्थ को देखा गया है, जिसकी वजह से अब होगा ये कि क्योंकि ये पोर्ट इंडिया के बिल्कुल ही साउथ में प्रेजेंट है, जहाँ से स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड सुएस कनाल वाला जो रूट है, जिसे इंटरनेशनल शिपिंग रूट भी कहा जाता है, और जहाँ से वर्ल्ड का एटलीस्ट 30% ऑफ द कार्गो ट्रैफिक गुजरता है, उसके ये बिल्कुल ही 17-18 किलोमीटर दूर होने के कारण, और यहाँ पर डेप्थ 24 मीटर्स की अवेलेबल होने के कारण, यहाँ पर अब ग्लोबल कार्गो ट्रैफिक पर को लाया जाएगा, और उसी के साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन के कारण इस पोर्ट पर बहुत लार्ज कंटेनर शिपमेंट्स को हैंडल करना पॉसिबल हो पाएगा। मतलब फिलहाल 1 मिलियन कंटेनर शिप्स को एनुअली सर्व करने का हमारा टारगेट है, जो कि सिंगापुर जैसे पोर्ट को पीछे छोड़ने के लिए काफी है। ऑलमोस्ट 7,600 करोड़ रुपीज इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में लगेंगे, और यहाँ पर फुल्ली ऑपरेशनल होने के बाद ये पोर्ट अकेला ही इंडिया के टोटल कंटेनर ट्रैफिक का 3/4 अकेला ही हैंडल करने में कैपेबल होगा। इसी के साथ साथ यहाँ 5,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये बून से कम नहीं होगा। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे एक और ट्रांसशिपमेंट हब को प्लान कर रही है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पर, जिसको बनाने में 41,000 करोड़ रुपीज तक की लागत आएगी, ऐसा यहाँ पर एस्टिमेट है। पर यहाँ कई सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकेगा, स्पेशली एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्योंकि जब विंगियम पोर्ट को भी 2015 में कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया था अदानी पोर्ट्स की तरफ से, तो उसको 2019 तक ये पूरा किया जाना था, लेकिन कंटिन्यूअसली नेचुरल कैलमिटीज ने इसका कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2024 तक के डिले कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट फेज को फुल्ली ऑपरेशनल करने के लिए अब उनको डेडलाइन दी गई है। साइक्लोन्स ओखी और तोक्ते जैसे साइक्लोन्स की वजह से, और 2018 के केरला फ्लड्स जैसे इवेंट्स ने काफी डैमेज किया है इस कंस्ट्रक्शन को, इस पूरे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन, जो रोड्स वगैरह थे कनेक्टिविटी के लिए वो पूरी तरह से उखड़ चुके थे, लेकिन फाइनली अब इसका जो फर्स्ट फेज है वो दिसंबर 2024 तक के फुल्ली हो जाएगा। वैसे यहाँ एक और बात मेंशन करने जैसी है, वो है सागरमाला प्रोजेक्ट। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में सागरमाला प्रोजेक्ट को लाया, जो कि होलिस्टिकली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को टारगेट करेगा। इस प्रोग्राम के अंडर कुछ मेन कंपोनेंट्स ऐसे हैं कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, कोस्टल कम्युनिटी को डेवलप करना, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाना, और
इनलैंड वाटरवेज को भी डेवलप करना, ऐसे इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। इस इनिशिएटिव के सक्सेसफुल होने के बाद हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है उनको 2025 तक के $110 बिलियन तक के ले जाना टारगेट यहाँ पर है, जिसके कारण 40 लाख तक का डायरेक्ट एंड 60 लाख का इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, इतनी कैपेसिटी इस पूरे प्रोग्राम में है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ये आज का हमारा ओवरऑल इशू। होपफुली आपको आज का हमारा ये एफर्ट पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे भद्रा आईएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम, या जिसे पॉपुलरली वाइजैक पोर्ट भी कहा जाता है।